नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार कैमरा कंपैरिजन वीडियो में। तो आज हम यहां पे कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरास को, जो कि रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G एंड ओप्पो F21 प्रो 5G। अब इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन करने का सिंपल सा रीज़न ये है कि जो दोनों ही फ़ोन में प्रोसेसर आपको मिलता है वो सिमिलर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 695 दिया गया है, बट जो कैमरा स्पेक्स है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का सेंसर, उसके अलावा मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर है। यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिलता है, मैक्रो भी देखने को मिलता है। एंड अगर फ्रंट की बात करी जाए तो दोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो चलिए करते हैं इसके प्राइमरी कैमरा एंड फ्रंट कैमरा को कंपेयर एंड देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में कौन सा स्मार्टफोन बेटर परफॉर्म करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डेलाइट कंडीशन में निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि रेडमी ने काफ़ी बेहतर काम किया है। ओप्पो की बात कर जाए तो कलर्स वगैरह यहाँ पे एकदम ही चेंज कर दिए है, वॉश आउट कर दिए है, एकदम ही वाइट बना दिया है स्किन टोन। रेडमी ने यहाँ पे कलर को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है, स्किन टोन को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। बैकग्राउंड में जो डायनामिक रेंज है, जो स्काई वाला पार्ट है, वो भी रेडमी में काफ़ी बेटर विजिबल है। ओप्पो ने यहाँ पे उसको भी वॉश आउट कर दिया है। जूम इन करेंगे तो जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस है वो भी अगेन रेडमी में काफ़ी बेटर है। ओप्पो की इमेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है एंड यहाँ पे मैंने सारे ही ब्यूटी मोड को ऑफ कर दिया था, बट उसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टनेस को ऐड कर दिया है ओप्पो ने। तो यहाँ पे क्लियरली सारी ही चीज़ों को ध्यान में लेते हैं तो रेडमी ने काफ़ी बेटर परफॉर्म करा है। पोर्ट्रेट मोड में निकाली गई इमेज अगेन यहाँ पे रेडमी काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है, चाहे वो कलर्स हो, स्किन टोन हो, डायनामिक रेंज हो, सारी ही चीज़ों में रेडमी बेटर है। ओप्पो यहाँ पे भी ओवर एक्सपोज कर देता है, एकदम ही ब्राइट आउटपुट देता है जो कि देखने में नेचुरल बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी अगेन रेडमी बेटर काम करता है। डेलाइट कंडीशन में ही निकाली गई ऑब्जेक्ट की फोटोस एंड यहाँ पे भी अगेन रेडमी के कलर्स वगैरह आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा डल भी नहीं होते हैं। ओप्पो की बात कर जाए तो यहाँ पे आपको डल आउटपुट देखने को मिलता है, कलर्स वगैरह इतने एक्यूरेटली मैनेज नहीं हो पाते हैं। डिटेलिंग एंड शार्पनेस देखते हैं तो दोनों का ही अच्छा है, वहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है। डायनामिक रेंज नोटिस करते हैं तो दोनों के ही बढ़िया है। ये कुछ क्लोजअप शॉट्स हैं एंड यहाँ पे जो नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड है वो दोनों ही फोन का काफ़ी बढ़िया है, बट अगेन यहाँ पे जो कलर्स वगैरह है वो रेडमी में आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलते हैं। 108 एंड 64 मेगापिक्सल मोड में निकाली गई इमेज है। डिटेलिंग कहाँ पे बेटर है वो देखने के लिए जूम इन कर लेते हैं। तो जूम इन करने पे आप देख सकते हैं कि जो ओप्पो की इमेज है यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा शार्प लग रही है कम्पेयर टू रेडमी, तो यहाँ पे ओप्पो में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करा है। डेलाइट कंडीशन में फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, यहाँ पे रेडमी का आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बेटर है, कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से मैनेज करे है। ओप्पो की बात करिए तो बहुत ही ज़्यादा कूलर टोन ऐड कर दिया, इमेज देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, शर्ट का पूरा कलर चेंज कर दिया है एंड आर्टिफिशियल लग रही है सारी ही चीज़ें। डिटेलिंग एंड शार्पनेस की भी काफ़ी ज़्यादा कमी नोटिस हो रही है, तो यहाँ पे भी अगेन क्लियरली रेडमी ने बेटर काम किया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद एज डिटेक्शन दोनों ही फ़ोन में अच्छे से हो जाता है, बट अगेन यहाँ पे भी जो कलर्स वगैरह मुझे रेडमी के बेटर लग रहे हैं, जबकि ओप्पो ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कूलर टोन ऐड कर दिया है, सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है, स्किन टोन को भी चेंज कर दिया है, तो ओप्पो यहाँ पे अगेन बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रहा है। इंडोर कंडीशन में निकाली गई फोटो है, अगेन यहाँ पे रेडमी का आउटपुट ज़्यादा बेटर लग रहा है, ज़्यादा शार्प लग रहा है, कलर्स वगैरह ज़्यादा बैलेंस लग रहे हैं। ओप्पो की बात करी जाए तो यहाँ पे कलर्स वगैरह इतने अच्छे नहीं आए हुए, स्किन टोन की बात करी जाए तो कुछ चेंज ही कर दिया है, वियर्ड बना दिया है एंड जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस है उसकी भी यहाँ पे कमी है, तो यहाँ पे भी अगेन रेडमी ने बेटर काम किया है। इंडोर पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करते हैं तो एज डिटेक्शन दोनों ही फ़ोन में अच्छे तरीके से हो जाता है, बट अगेन जो कलर्स है, स्किन टोन है, वो सारी ही चीज़ें आपको रेडमी में बेटर देखने को मिलता है। इंडोर कंडीशन में निकाली गई कुछ ऑब्जेक्ट की फोटोस हैं एंड यहाँ पे दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा है, कलर्स वगैरह का आपको इतना मेजर डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेडमी यहाँ पे भी आपको बेटर देखने को मिलेगा, बेटर प्रोसेस होते हैं कलर्स। ओप्पो यहाँ पे भी थोड़ा सा कूलर टोन ऐड कर देता है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस नोटिस करते हैं तो दोनों ही इक्वल दिखाते हैं, बट अगेन सारी चीज़ों को ध्यान में लिया जाए तो यहाँ पे भी रेडमी आगे निकल जाता है। इंडोर फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज अगेन रेडमी का आउटपुट बेटर है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है, कलर वगैरह काफ़ी बेटर मैनेज करे है। ओप्पो ने यहाँ पे स्किन टोन थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट बना दिया है, कलर्स वगैरह इतने अपीलिंग नहीं आए हुए हैं, थोड़े से चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे भी अगेन रेडमी ने बेटर काम किया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, डिटेक्शन के मामले में भी डिफिकल्ट कंडीशन में रेडमी ने बेटर परफॉर्म किया है। ओप्पो में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो फ्रेम है उसको ब्लर आउट ठीक से नहीं कर पाया है एंड बाकी जो स्किन टोन वगैरह है वो अगेन मुझे रेडमी का बेटर लगा है। ओप्पो यहाँ पे भी एकदम ही वाइट स्किन टोन बना देता है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड कुछ वीडियो के सैंपल भी देख लेते हैं। दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, अगेन 1080p 30fps तक शूट कर सकते हैं दोनों ही फोन में। तो यहाँ पे अगेन आप लोग देख सकते हैं कि जो रेडमी की फुटेज है वो क्रॉप हो गई है, ओप्पो की फुटेज इतनी ज़्यादा क्रॉप नहीं हुई है।
वॉक कर लेते हैं, लेट्स सी ये आईएस यहाँ पे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रेडमी की फुटेज में ये आईएस आपको मिलता है, ओप्पो की फुटेज इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं दिख रही है। एंड अभी मैं डायरेक्शन लाइट में हूँ, तो यहाँ पे लाइट कंट्रोल आप देख सकते हो दोनों ही फोन का काफ़ी बेकार है। शेडोड एरिया में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड को दोनों ही फोन पूरी तरह से वॉश आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो दोनों ही फोन ने काफी बेकार परफॉर्म करा है। तो दोनों ही फोन में रियर कैमरा से शूट कर रहा हूँ, मैक्सिमम दोनों ही फोन में 1080 पिक्सल 30 FPS तक ही शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है, एक्सपोजर किस तरह से हैंडल हो रहा है, कौन सा फोन बेहतर तरीके से कर रहा है, कौन सा फोन नहीं कर रहा है। वॉक कर लेते हैं, स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे ओफो F21 Pro में बेटर लग रही है, बाकी आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे थे आप लोग बेहतर जज कर पाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत ही क्लियर आए हैं, हर एक कंडीशन में रेडमी ने बेटर परफॉर्म करा है, फिर चाहे वो आउटडोर कंडीशन हो, इंडोर कंडीशन हो, फ्रंट कैमरा हो या फिर रियर कैमरा हो, सभी जगह पे रेडमी आगे निकल जाता है, बेटर परफॉर्म करता है। एंड वीडियोस की भी बात करी जाए तो वहाँ पे भी अगेन रेडमी ने बेटर परफॉर्म किया है कलर्स वगैरह के मामले में। स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो फ्रंट कैमरा में रेडमी में देखने को मिलती है, रियर कैमरा में अभी के लिए देखने को नहीं मिलती है, जबकि रियर कैमरा में आपको ओप्पो में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, बट कलर्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी एवरेज देखने को मिले हैं। एंड इसके अलावा रेडमी में आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल जाता है, जो कि डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जो कि ओप्पो में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर यहाँ पे आप कैमरास को ध्यान में लेते हैं एंड दोनों ही डिवाइस की प्राइस को ध्यान में लेते हैं तो डेफिनेटली रेडमी यहाँ पे क्लियर विनर है एंड बहुत ही आगे है। तो अगर आपको लग रहा था कि ओप्पो की प्राइस ज़्यादा है तो कैमरास बेटर होंगे तो वहाँ पे आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेडमी की प्राइस कम होने के बावजूद उसने यहाँ पे कैमरास के मामले में ओप्पो से बेटर परफॉर्म करा है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।